हेलो एवरीवन, मैं गौरी चौहान। कैसे हैं आप सब? गौरी चौहान ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको मैगी पाक बनाना बताऊंगी, किस तरह से हम मैगी पाक बनाते हैं। इसे हम गोला पाक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पतीली ले रही हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 किलो के समथिंग कुछ चीनी ले रही हूँ। तो मैं इसमें 1 किलो के समथिंग कुछ चीनी डालूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी फ्रेंड्स आपको 1 कप या फिर 1 गिलास से कम ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। अब इसे मैं चला के और यहीं छोड़ दूँगी, इसे दाब के रख दूँगी। तो इसे हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी चाशनी बन रही है, लेकिन अभी हमारी जो चीनी है वो पूरी तरह से घुली ही नहीं है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो जब तक मैं यहाँ पे अपने मेरे मावा मैं इसमें थोड़ा सा घी दे रही हूँ। थोड़ा सा घी डाला मैंने इसमें। इसके बाद जो हमारी मिकी होती है इसे मैं इसमें भून लूँगी। तो मैं इसमें इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे हम। इन्हें भूनने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और मैंने इसके बाद इसी कढ़ाई में जो हमारी मावा थी मैं उसे भी भून लूँगी। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए करीबन भून लूँगी। हमारी मावा जो है वो भी भुन गई है। तो इसके बाद हमने जो चाशनी रखी थी बनने के लिए हम उसे देखेंगे। तो हमारी चाशनी जो है वो अभी बनी नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर और रख देंगे बनने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाशनी में जो अच्छे से उबाल आ रहा है, तो इसे हम अच्छे से थोड़ी देर और उबलने देंगे, अच्छे से और बनने देंगे। हमारी एक तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी वो अच्छे से बन के तैयार है। तो मैं इसके बाद इसमें जो हमने भुनी हुई मैगी रखी थी उसे मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो मावा मैंने भून के रखा था मैं इसे भी इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप बिना मावा के इस तरीके से बना सकते हैं। बस आपको इसमें थोड़ा गोला कद्दूकस करके डालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आप बिना मावा के बनाना चाहते हैं तो आप बिना मावा के बना सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देना है हमें। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, आपको थाली कुछ भी ले सकते हो इस तरह से। और उसमें मैं इसमें घी लगा रही हूँ, आपको अच्छे से घी लगा लेना है। इसके बाद मैं इसमें जो गोला है उसे कद्दूकस करके डाल दूँगी। तो मैं इसमें गोला डाल दिया अच्छे से। अब इसके बाद जो हमने अपना मैगी पैक बनाया है इसे मैं इसमें फैला दूँगी। आपको जल्दी फैला देना है, अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये अपने आप उसी में जम जाएगा। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द फैलाना है उस पर उतारने के लिए, उतारने के बाद गैस पर से। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और गोला डाल दिया है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो इस ठंडा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो मैं इसे गर्म पर ही काट रही हूँ, आप इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद काटें। तो इसे हम इस तरह से पूरे काट लेंगे 4 पीस करने में। तो मैंने यहाँ पर काट लिया है, आप किसी भी शेप में दे सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारे मैगी पाक या फिर गोला पाक जो कहते हैं वो बनकर तैयार है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।